शहर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, जालाबारी, दिन भर गश्त करते बादल शाम को बरस पड़े। एबिट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, गालिब मार्केट, मॉल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर तेज बारिश। चुंगी, अमर सद्दू, कोटलाकपत और कैंट में मूसलाधार बारिश। लोअर मॉल, जिला कचहरी, नासिरबाग, अनारकली, रावी रोड पर बारिश और जालाबारी, तेज हवाओं का राज। बागबानपुरा, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, वाबडा टाउन और हरबंसपुरा में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। अपरमाल में सबसे ज्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानीवाला तालाब और गुलबर्ग में 23, मुकलपुरा में 18 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट पर 14, ताजपुरा और चौक नाखुदा में 15 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 13, समदाबाद में 12 और जोहर टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। LWMC और वासा अमले को फील्ड में रहने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर की नशेबी इलाकों में नकासियात यकीनी बनाने की हदायत। तेज बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी दरहम बरहम हो गया। लेस्को के 190 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, समदाबाद, गुलस्तान कॉलोनी, एबर्टो, चुबुर्जी और इस्लामपुरा के इलाके अंधेरे में डूब गए। मूसलाधार बारिश, सलामत बाल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। जद्दा और इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली तमाम परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। जद्दा जाने वाली एयर ब्लू की परवाज कल सुबह 5 बजे तक मुलतवी। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार, छोटे तैयारे भी उड़ान ना भर सके। सिविल एविएशन ने वार्निंग जारी कर दी। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आबाद की लाहौर आमद। सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। मजहबी और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। इमाम काबा की कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आबाद ने कहा कि सऊदी वली अहद की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम लेकर आया हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होंगे। कायम मकाम गवर्नर ने अखुवत और भाईचारे के फरोग के लिए इमाम काबा की खिदमात को खूब सराहा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुसलमानों को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तानियों के दिल हरमैन शरीफैन के साथ धड़कते हैं। يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة। इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला उवाद की इमामत में बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की अदायगी। रूह परवर मनाजिर, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ। मरकज जमीयत अहले हदीस रावी रोड पर नमाज असर की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद ने इमाम काबा की इमामत में नमाज पढ़ी। इमाम काबा ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम रवादारी और अमन का अलमबरदार है, शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान जग जान दो कालिद हैं। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। इमाम काबा ने कुरान टीवी का इफ्तिताह भी किया। प्रोफेसर साजिद मीर ने तलवार का तोहफा पेश किया। आमदन से जायद असासाजात, हमजा शहबाज के दूसरे रोज भी नैब में पेशी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पूछताछ, नैब ऑफिस से बाहर आकर हमजा शहबाज ने नैब और हुकूमत पर वार। नैब को हमारे सिवा कुछ नजर नहीं आता, क्या दूसरों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है? नैब का खौफ नहीं, लेकिन जो आगे होने वाला है उसका किसी को अंदाजा नहीं। न्याजी साहिब करप्शन साबित ना कर सके तो कंटेनर पर चढ़कर कौम से मुआफी मांगनी पड़ेगी। न्याजी झूठा, सारे वादे भी झूठे। 8 माह में 4 IG तब्दील कर दिए। IG ना हुआ, चपरासी हो गया। पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम वापस आ गई, लिहाजा साबित हो गया शहबाज शरीफ ने सूबे की खिदमत की। कहा कि अभी फिल्म शुरू हुई है, महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने आवाम की चीखें निकलवा दी। हमजा शहबाज की नैब में 3 पेशियां, सवालात के जवाबात देने में नाकाम। नैब की हमजा शहबाज की जानिब से दिए गए जवाबात पर रिपोर्ट तैयार। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जमानत में तौसी के लिए कल फिर हाईकोर्ट में पेश होंगे।
नैब हुकाम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत तलब करेंगे। नैब के छापे के खिलाफ हमजा शहबाज का हाईकोर्ट से रुजू। नैब ने घर में मौजूद खवातीन को हिरासा किया, दरख्वास्त में मौकिफ। डीजी और डायरेक्टर नैब के खिलाफ कोहिन अदालत कार्रवाई की सदा। दरख्वास्त एडवोकेट आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज की वसादत से दायर की गई। चेयरमैन नैब की गिरफ्तार अफसरान को हथकड़ी न लगाने की हदायत। हाजिर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के खिलाफ शिकायत का खुद जायजा लूंगा, साबित करूंगा कि नैब जो भी कर रहा है दुरुस्त कर रहा है। गुज़श्ता साल पंजाब में मेगा करप्शन की गई, नैब ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिससे मुल्क का नुकसान हो। ठोस शवाहिद पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की, चेयरमैन नैब का सिविल सेक्रेटेरिएट में अफसरान से खिताब। होशुबा महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में। अवाम महंगाई से तंग आ जाए तो हुक्मरानों की चित्रौल करते हैं। कर्ज न लेने वालों ने IMF से कर्जा लिया। वजीर मशवरे दे रहे हैं कि अवाम दो की बजाय एक रोटी पर गुजारा करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ फैमिली की खातिन की तलबी के नोटिस मनसूख करना अच्छा इकदाम करार। कमर जमान कायरा ने कहा कि अल्लाह करे सबके साथ ऐसा हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी। पीपी और नून लीग के राबते, कल सूबाई क्यादत में मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा और हमजा शहबाज की कल मुलाकात होगी। पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। महंगाई, PAC और दीगर कमेटियों के मामलों पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की सिफारिशात और फैसलों पर अमल दरामद का मामला। चेयरमैन कमेटी सैयद यावर अब्बास का फैसलों पर अमल दरामद का होने पर इजहार बरहमी। कमेटी की तमाम महकमों के लिए फोकल पर्सन नामजद करने की हदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की तश्कील न होने पर नून लीग का तहफ़ुज़ात का इजहार। हमजा शहबाज को चेयरमैन न बनाना गैर मुनासिब है। मलिक अहमद खान। IG पंजाब के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान और विफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स अहमद नवाज सुखेरा, डॉक्टर एजाज मुनीर दौड़ में शामिल। तीनों नाम वजीर आजम को मंजूरी के लिए भेज दिए गए। पंजाब पुलिस के नए सिपा सलार आरिफ नवाज कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पंजाब के तमाम रीजन्स में भी पुलिस अफसरान की अखाड़ पछाड़ मुतवक्के। नए IG का अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार। साबिक IG अमजद जावेद सलीमी के एजाज में CPO ऑफिस में अलविदाई तकरीब। आला अफसरान की शिरकत। मर के भी चैन न पाया। लाहौर के कब्रिस्तानों में मैयतें गैर महफूज, इंतजामिया बेबस। बादामी बाग कब्रिस्तान से नौमौलूद की मैयत चोरी। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में भिखारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भिखारी चौक में मैयत को रखकर भीख मांग रहा था। शुजाऊ रहमान के हाथ 7 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था। सरकारी मुलाजमीन काम की बजाय एहतजाज पर मामूर। वासा मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। वाइस चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। जिले इंतजामिया से मुजाकरात के बाद एहतजाज खत्म। एप का मुलाजमीन भी मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर मौजूद रहे। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के बाहर मुजाहरा। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाओ के नारे। सरकारी इंजीनियर्स भी डट गए। मुतालबात मंजूर कराए बगैर धरना खत्म ना करने का ऐलान। 8वें रोज भी महकमा आबपाशी दफ्तर में धरना। बल्दिया उस्मा के वर्क चार्ज मुलाजमीन भी सराफा एहतजाज। मुलाजमीन की मुस्तकली और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। तब्दीली सरकार में भी अवामी बुनियादी जरूरियात नजरअंदाज। साफ पानी मंसूबे के बजट दीगर मंसूबों को मुंतकिल। 7 अरब रुपए का कट लगाकर फंड तरक्याती कामों के लिए मुख्तस कर दिए गए। अवाम आलूदा पानी पीने से बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
तब्दीली सरकार में साफ पानी के फराहमी का मंसूबा भी लटक गया। आप पार्क अथॉरिटी का बिल असेंबली से पास मगर हुकूमत की नजर में फेल। अथॉरिटी का पैट्रेट इन चीफ गवर्नर होगा या वजीर आला, हुकूमत गोमगो का शिकार। वजीर आला ने हतमी मुशावरत के लिए फाइल रोक ली। महंगाई के मारे शहरियों को रमजान में रिलीफ देने का अज़्म। शहर में 30 रमजान बाजार लगेंगे। जिला इंतजामिया ने सामान की खरीदारी के टेंडर जारी कर दिए। वॉक थ्रू गेट, साउंड सिस्टम, कैनोपी, टेंट, पर्दे, पंखे, जनरेटर, कुर्सियां, ट्रॉलीज और दीगर सामान ठेके पर मिलेगा। टेंडर्स 1 मई को खोले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सोलह सईद की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। गोश्त के रेट और मियार पर चेक एंड बैलेंस रखने का हुक्म। शहर में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर का मामला। वजीर आजम की हदायत पर शहर में उमूदी तामीरात का मंसूबा। हुकूमत का शहर में कसीरुल मंजिला इमारतों के लिए जोन बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत के अहकाम पर स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ टाउन प्लानर एलटीए को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को भी सेहत कार्ड्स फराहम करेंगे। हुकूमत टैक्स का पैसा आवाम की बेहतरी पर खर्च करेगी। सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माजूर अफराद के मसाइल आम आदमी से ज्यादा होते हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान कश्मीर का मामला आलमी अदारा इंसाफ में उठाए। भारतीय अफवाज कश्मीरी ख्वातीन को हरासा कर रही है। भारतीय हुकूमत ने अपना तसल्लुक कायम रखने के लिए काले कवाने नाफिज किए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का हाईकोर्ट बार में सेमिनार से खिताब। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस लेने की अपील। और वर्ल्ड कप 2019 का महाज, मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, हारिस सुहेल और बाबर आजम को शामिल किए जाने का इम्कान। शहर मलिक, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान और हसन अली की भी शमूलियत मतवक है। फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान चनवारी भी मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा। हतमी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। फजाफी स्टेडियम में तरबेती कैंप, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस।